Hello family, welcome or welcome back to YouTube channel. This is your Mamta. So guys, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज की पूरी वीडियो किस पर होने वाली है। आज की पूरी वीडियो होने वाली है कोरियन इंस्पायर्ड, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग टेक्निक जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी ज्यादा फ्लॉलेस हो जाएगी, काफी ज्यादा टाइट हो जाएगी एंड काफी ज्यादा यंग एंड फर्म दिखेगी। एंड इस थेरेपी को या इस ट्रीटमेंट को करने के लिए आपको 0 रुपीज चाहिए, मतलब आपको आपके सिर्फ हाथ चाहिए एंड यू कैन हैव दैट क्लियर फ्लॉलेस एंड यंग लुकिंग स्किन। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट अ वीडियो। लेकिन वीडियो पे मूव ऑन करने से पहले, अगर आप इस चैंपियन हो देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना द रेड बटन बिलो, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। सो या विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट अ वीडियो। सो या आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस टेक्निक, जिस ट्रीटमेंट या जिस कोरियन ब्यूटी सीक्रेट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उसे हम कहते हैं फेस स्लैप थेरेपी। आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा कि ये क्या चीज है। अगर आपने नहीं सुना तो लेट मी टेल यू, फेस स्लैप थेरेपी इज नथिंग बट कि आपको अपने फेस को स्लैप करना है ताकि आपकी जो स्किन है एकदम फ्लॉलेस रहे, क्लियर रहे एंड यंग रहे। अगर मैं बात कर लूँ कि ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो ये इंस्पायर्ड है बाय कोरियन और थाई वुमेन। वो अपने फेस पे थप्पड़ मरवाती है, लाइक कहीं पे भी जाके मसाज थेरेपिस्ट के पास जाके वो अपने फेस पे थप्पड़ मरवाती है ताकि उनकी जो स्किन है काफी ज्यादा यंग रहे, काफी ज्यादा ग्लो रहे। अगर मैं बात कर लूँ इसके बेनिफिट्स के ऊपर, तो ये इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी ज्यादा फर्म लगती है, काफी ज्यादा टाइट लगती है एंड काफी ज्यादा यंग लगती है। ये आपको बहुत अमेजिंग ट्रीट कर देता है एक्ने को, पिंपल को एंड आपकी स्किन को बना देता है हेल्दियर। ये इंक्रीज करता है कोलेजन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से आपकी स्किन एकदम टाइट लगती है, यंग लगती है एंड काफी ज्यादा फर्म लगती है। अगर आपने इसको टाइम बाय यूज कर दिया तो ये एजिंग साइंस जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क सर्कल को भी बहुत इजीली डिले कर सकते हैं एंड काफी अमेजिंग रोक सकते हैं। इसे अगर आपने टाइम बाय यूज कर दिया तो ये आपकी स्किन के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, क्योंकि अपने स्किन में होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज, जिसकी वजह से वो आपकी स्किन को ड्रेन करेगा एंड जो टॉक्सिन्स है उसे रिमूव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपके स्किन से सारे प्रॉब्लम को रिलीव कर देगा, आपके टेंशन को रिलीव कर देगा, आपको एक सूथिंग सेंसेशन देने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को एकदम टाइट रखेगा, आपके मसल को एकदम रिलैक्स करने में हेल्प करेगा, स्ट्रेस लेवल को डिले करने में हेल्प करेगा। अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है, लाइक आपको फेस फैट है यहाँ पे या कहीं पे भी आपको फेस फैट है, तो उसको डिले करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। एंड अगर आपने इस थेरेपी को टाइम बाय यूज कर लिया तो ये थेरेपी आपके डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स, पिंपल मार्क्स को भी रिड्यूस करने में एंड आपके ओपन पोर्स को भी रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एंड इस थेरेपी को करने के लिए आपको 0 पैसा चाहिए एंड कहीं पर भी बैठ के आप इस थेरेपी को बहुत इजीली कर सकते हो। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट अ वीडियो और देख लेते हैं ना कि इस फेस थेरेपी को करना कैसे एट द सेम टाइम उसके रिजल्ट्स। सो गाइस, इस थेरेपी को करने से पहले आपको अपने फेस को प्रॉपरली वॉश करना है यूजिंग फेस वॉश और नॉर्मल वाटर। आपको अपने फेस को प्रॉपरली वॉश करना है एंड हल्का सा स्टीम ले लेना है, इससे जबकि पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे एंड आपके चेहरे से जो सारी गंदगी है वो रिमूव होने में हेल्प होगी। ठीक है, फेस वॉश करने के बाद आपको अपने हेयर को प्रॉपरली बांध लेना है, क्योंकि इस थेरेपी के टाइम पे आपको अपने हेयर बिल्कुल बीच में नहीं लाना है वरना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्लचर की हेल्प से अपने हेयर को बांध दे रही हूँ एंड आपको अपने फेस पे कुछ भी हेयर नहीं लेना है एंड देन आपको एक क्लीन फेस पे कोई भी फेशियल ऑयल अप्लाई करना है, क्योंकि ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, जिसकी वजह से वो जो हम टेक्निक फॉलो करने वाले हैं वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड आपकी स्किन को ज्यादा फ्लॉलेस करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो स्टेप 1 इज अप्लाइंग फेशियल ऑयल। तो यहाँ पे मैं जो फेशियल ऑयल अप्लाई करने वाली हूँ वो है ऑरा वैदिक की तरफ से कुमकुमारी तैलम। कुमकुमारी तैलम इज क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि ये बना हुआ था 26 हर्ब्स लाइक दारू हल्दी, नीम, कमल एंड ऐसे बहुत सारे अमेजिंग से इंग्रेडिएंट्स जो काफी ज्यादा अमेजिंग है आपकी स्किन से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं ऑरा वैदिक का कुमकुमारी तैलम यूज कर रही हूँ, ये एक अमेजिंग फेशियल ऑयल माना जाता है। आपको सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप ही लेने पड़ते हैं फेशियल ऑयल एंड आपको इसको पूरे फेस पे अप्लाई करना है बहुत हल्के हल्के हाथों से। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन भी है ना, तो भी ये जो कुमकुमारी तैलम है उसके रेगुलर यूज से आपके जो एक्ने हैं वो काफी हद तक रिजोल्व हो जाएंगे। मैं इसे डेली लेवल पे यूज नहीं करती बट या अगर आपने इसको डेली यूज किया तो आपकी स्किन काफी ज्यादा फ्लॉलेस हो जाती है। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपने फेस को अच्छे से लाइक लुब्रिकेट कर लिया है, ऑयल अप्लाई कर लिया है। नाउ व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज आपको आपके फिंगर्स लेना है एंड जस्ट स्लैप। इस टाइम पे आपको बोलना नहीं होता है, तो मैं सारी वीडियो अब साइलेंट पे रिकॉर्ड करूंगी।
सो गाइस, इस थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने पूरे फेस को पहले एक्टिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पे थप्पड़ मारना है। अप्रोक्सीमेटली आपको 50-100 टाइम्स इसे ऐसे मारना है। इससे जबकि जो सेल्स है वह एक्टिव हो जाएंगे एंड हम जो भी स्टेप फॉलो करेंगे वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एट द सेम टाइम ये इम्प्रूव करेगा ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से आपके सारे जो सेल्स है वो सारे एक्टिव हो जाएंगे एंड ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा। तो इसलिए आपको 50-100 अप्रोक्सीमेटली अपने फेस को हल्के हल्के हाथों से थप्पड़ मारना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको आपके जॉ लाइन के हिसाब से ऊपर की तरफ अपने लाइक एक चीक्स को पकड़ना है एंड देन उसे थप्पड़ मारना है। ऐसे अगर आप अपवर्ड मोशन में अगर पकड़ोगे तो ये आपके जो सैगिंग स्किन है उसे प्रिवेंट करेगा। एट द सेम टाइम आपकी स्किन को टाइट एंड फर्म करेगा। आपको जॉ लाइन से लेना है एंड चीक्स से टेम्पल बोन तक आपको आपके लाइक एक हाथ से आपको आपके चीक्स पकड़ना है एंड देन स्लैप करना है। इससे हेल्प होगा कि जो सैगिंग स्किन है वो एकदम टाइट हो जाएगी, फर्म हो जाएगी एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है उस एरिया पे तो वो भी रिलीज होगा। देन आपको क्या करना है, आपको आपके आई एरिया के नीचे से इसे पकड़ना है एंड देन उसे अपवर्ड मोशन में टेम्पल बोन की तरफ लेके जाना है एंड देन स्लैप करना है। इससे हेल्प होगा कि आपके डार्क सर्कल को रिड्यूस करेगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा एंड अगर आपको वहाँ पे पिंपल जैसी प्रॉब्लम है तो उसे रिड्यूस करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है, आपको बिल्कुल प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, जस्ट आपको हल्के हल्के हाथों से मारना है अपने आप को, वो भी हल्के हल्के हाथों से। देन आप नेक्स्ट आपको दोनों हाथ लेने हैं एंड दोनों हाथ से आपको अपने आप को स्लैप करना है विद स्लो हैंड्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप जब भी कुछ थेरेपी कर रहे हो, चाहे फेस मसाज हो, फेस लैपिंग हो, आपको अपवर्ड मोशन में करना है। इससे जो सैगिंग ऑफ स्किन है ना वो बहुत अच्छे से प्रिवेंट हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपकी स्किन पे जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है वो रिलीज होगा। एट द सेम टाइम अगर आपको डबल फैट डबल चिन की प्रॉब्लम है तो उसे भी रिड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपवर्ड मोशन में ही अपने आप को लाइक मारो, इससे सारी प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। देन हम फोकस करेंगे आई एरिया पे, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो आपको आपके आई एरिया को भी अपवर्ड डायरेक्शन में पकड़ना है एंड देन आपको हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको स्लैप करना है। इससे डार्क सर्कल की रिड्यूस हो जाएगी, पफिनेस रिड्यूस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाएगा एट द सेम टाइम आपकी जो आईज है एकदम प्रॉपर दिखेगी। देन आपको आपके आईज के ऊपर जो एरिया है दैट इज योर फोर्ड हेयर, वहाँ पे आपको थप्पड़ मारना है इन अपवर्ड डायरेक्शन। इससे जो एजिंग साइंस है लाइक फाइन लाइंस, रिंकल्स और भी ऐसे सैगिंग ऑफ स्किन वो सारी प्रिवेंट हो जाएगी एंड रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका फोर हेड एकदम परफेक्ट दिखेगा। एंड इसी एक्सरसाइज की वजह से, इसी स्लैप थेरेपी की वजह से आपको टाइनी बम्स एंड क्लॉक पोर्स की जैसे शिकायत नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको छोटे छोटे दाने भी नहीं होंगे एंड ये जो मसल टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, उसे भी रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। 50 टाइम्स वहाँ पे करना है एंड देन वापस आपको जॉ लाइन के पास आना है एंड देन एक थप्पड़ मारना है खुद को 50 टाइम्स, क्योंकि ये हेल्प करेगा डबल चिन को रिड्यूस करने में। एट द सेम टाइम आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ, फर्म एंड काफ़ी ज़्यादा यंग बनाने के लिए। देन एक फाइनल स्टेप करना है, आपको पूरे फेस पे थप्पड़ मारना है फिर से फॉर इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन। इससे हेल्प होगा कि आपकी सारी स्किन एकदम रिड्यूस हो जाएगी, आपकी स्किन हेल्थियर लगेगी, ग्लोइंग लगेगी, एकदम फर्म लगेगी, टाइट लगेगी, यंग लगेगी और जो डबल चिन की प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। सो इससे डेफिनेटली ट्राई करना फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। गाइस, मेरी जो फेस स्लैप थेरेपी है वो पूरी हो चुकी है। नाउ यू कैन सी द रियल डिफरेंस। मैंने सिर्फ एक ही साइड पे किया है ताकि आपको रियल डिफरेंस पता चले कि क्या रिजल्ट है एंड क्या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ इस साइड पे किया है, यू कैन सी दी ये वाला जो एरिया है वो बहुत ज्यादा फ्लैट लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये थोड़ा स्वेल्ड, सूजा सूजा लग रहा है। यू कैन सी द रियल डिफरेंस कि मेरी जो स्किन है बहुत ज्यादा क्लियर लग रही है। क्लियर इन द सेंस कि मेरी जो स्किन है एकदम फर्म लगती है, टाइट लगती है। यू कैन सी मैंने सिर्फ इसी वाले एरिया पे किया है एंड इस वाले एरिया पे नहीं किया है। तो आपको डिफरेंस एक ही बार में फील हो गया होगा कि ये वाला जो एरिया कितना ज्यादा सूजा सूजा लग रहा है एंड कितना ज्यादा ये वाला एरिया है वो एकदम सॉफ्ट, एकदम क्लियर लग रहा है। गाइस, ये फेस लैथ थेरेपी आपको डेफिनेटली यूज करनी है। सो गाइस, अब मैंने क्लचर रिमूव कर लिया है। तो गाइस, अब बात करते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी की, आपको इसे कब कब यूज करना है। अगर आपको एक्ने जैसी प्रॉब्लम है या आपको आपकी स्किन एकदम टाइट करना है तो आपको इसे डेली यूज करना है। अदरवाइज महीने में 15 दिन में एक बार भी यूज किए तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस स्लैप थेरेपी को आप रात में भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, आपको पूरे दिन में कभी भी अप्लाई करना है। अगर बात कर लूँ तो ये हेल्प करता है मॉइस्चराइजर के बेटर एब्जॉर्प्शन में, या आप कोई भी चीज़ें यूज करो, चाहे वो फेस वॉश हो, टोनर हो, उसके बेटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, देयर बाय गिविंग अ डिजायर्ड रिजल्ट्स। कैसा होता है ना कि हम कभी भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं लेकिन फिर भी हमारे को हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली लगती है, जिसकी वजह से हमारे को हमारी स्किन में कोई ग्लो भी नजर नहीं आता।
तो अगर आपने इस फ्लेयर्स थेरेपी को अप्लाई किया यूजिंग मॉइस्चराइजर भी, तो ये आपकी स्किन को एकदम फ्लॉलेस बना देगा, क्लियर बना देगा एंड एट द सेम टाइम आपकी स्किन पे मॉइस्चर को बहुत अच्छे से हेल्प करेगा एब्जॉर्ब होने में। सो गाइस, इस फेस थेरेपी को डेफिनेटली ट्राई करना एंड अगर आप इसे ट्राई कर रहे हो तो प्लीज लेट मी नो कमेंट सेक्शन। सो यार, आज की वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।